हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए ब्लॉग में। और आज के इस वीडियो में हम लोग आए हैं देश के सबसे पुराने शहर बनारस के काशी विश्वनाथ बाबा जी के दर्शन करने। और आज सुबह 5 बजे हम लोग यहाँ पे आ चुके थे, शाम के 4 बजे की हमारी यहाँ से वापसी है। तो ये हमारा वीडियो बहुत शॉर्ट एंड स्वीट होने वाला है। तो यहाँ पे आने के लिए कैसे आपको साधन मिलेगा, कैसे आप यहाँ पे आ सकते हैं और क्या क्या जगह हैं यहाँ पे घूमने के लिए, तो उन सारी चीज़ों के वीडियो मैं आपको इस वीडियो के थ्रू दिखाऊंगा। तो वीडियो में पूरा बने रहें। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और तो चलिए आपको बनारस की गलियों से मिलाते हैं और आपको बाबा विश्वनाथ जी के दर्शन कराते हैं। तो लेट्स गो। तो रात के 11 बजे लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन से हमारी ट्रेन थी और 2 घंटे लेट होने की वजह से 1 बजे आई। फिर हम लोग ट्रेन पकड़ के वाराणसी की ओर निकले। फिर सुबह के 5 बजे हम लोग वाराणसी स्टेशन पहुंच गए। स्टेशन से 20 रुपये किराया देकर आप ऑटो से और 150 रुपये किराया देकर आप कार से मंदिर तक पहुंच सकते हैं। सुबह 6 बजे हम लोग 80 घाट पहुंच चुके थे और पितृपक्ष का आखिरी दिन की वजह से रश बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से क्लियर आवाज़ वीडियो में नहीं आ पा रही थी। और इसके बाद हम लोगों ने गंगा जी में स्नान करके अपने अपने पाप धो लिए। 80 घाट से वापस 20 रुपये किराया देकर हम लोग मंदिर के दरबार तक पहुँचे। अभी हम लोग आ गए हैं विश्वनाथ बाबा की गली में और यहाँ पे अंदर चल के मंदिर मिलेगा और वहाँ पे करेंगे हम लोग पूजा। भीड़ बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त रश है यहाँ पे। प्रसाद वगैरह की दुकान ये अगल बगल में प्रसाद मिल रहे हैं, कहीं से भी आप प्रसाद ले सकते हैं यहाँ पे। और बाकी थोड़ा पानी भी पता नहीं कहीं से आ रहा है कीचड़ की वजह से। तो देश की 12 ज्योतिर्लिंग में से एक काशी विश्वनाथ बाबा जी की, जो कि बनारस में है, तो उसके लिए मैंने प्रसाद ले लिया है। और अभी हम लोग जा रहे हैं प्रसाद चढ़ाने और फ़ोन यहीं पे सबमिट करना पड़ेगा क्योंकि फ़ोन अंदर ले जाना अलाउड नहीं है। तो यहाँ पे लॉकर दिए हुए हैं ये लोग, तो यहाँ पे हम फ़ोन जमा कर देंगे और प्रसाद चढ़ा के आते हैं। चलो, तो फाइनली बाबा विश्वनाथ जी के दर्शन हो गए हैं। बहुत गज़ब का माहौल है अंदर का, बहुत ज़बरदस्त नज़ारा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। फिलहाल क्राउड थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि पितृपक्ष चल रहे हैं। आप लोग अगर क्राउड को अवॉइड करना चाह रहे हैं तो पितृपक्ष के बाद आएँ, और माहौल बहुत ही ज़बरदस्त है, तो ज़रूर से ज़रूर यहाँ पे आएँ, बहुत अच्छा लगेगा यहाँ पे आपको आके। बाकी यहाँ से निकल रहे हैं, अब देखते हैं आगे का क्या प्लान है। फ़िलहाल शाम के 4 बजे की ट्रेन है, अभी 12 बज चुका है, तो देखते हैं क्या प्लान है। सो गाइस, हम लोग पहुँच गए हैं वाराणसी स्टेशन पर और अब हम लोग का वापस घर का प्लान बन गया है। तो ट्रेन का वेट कर रहे हैं, निकल रहे हैं यहाँ से, 5 मिनट में ट्रेन आ रही है। और बाकी हमारे दोस्त बहुत ज़्यादा थक गए हैं, तो इनका थोबड़ा देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, सोए नहीं है, रात भर सोए नहीं है बेचारे। इधर ये देखो, 2 बैठे हुए हैं, बड़ी दुखद समस्या है इन लोग की। चलिए, फिलहाल ये वीडियो आपको होपफुली पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, बाय।